दोस्तों, ट्रेन के सफर के दौरान आपने अक्सर ये महसूस किए होंगे, कुछ ट्रेन स्टार्ट होने से पहले काफी झटका देती है, वहीं कुछ ट्रेन इतनी स्मूथली खुलती है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि ट्रेन खुल गई। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ट्रेन खुलने से पहले या रुकने से पहले ट्रेन में बैठे यात्रियों को झटका क्यों महसूस कराती है। दोस्तों, ट्रेन में बैठे यात्रियों को झटका लगना मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है ट्रेन के लोको पायलट को ट्रेन को चलाने का टेक्निकल एक्सपीरियंस, दूसरा है कोच की बनावट। दोस्तों, जब भी कोई ट्रेन हावड़ा से दिल्ली के लिए चलती है तो बीच बीच में 6 से 8 घंटे के अंतराल पर ट्रेन के लोको पायलट चेंज होते रहते हैं। ऐसे में हर लोको पायलट को ट्रेन को चलाने का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, जो निर्भर करता है कि वह ट्रेन को कितना स्मूथली तरीके से चला सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोको पायलट हैं जो ट्रेन को स्टार्ट इतनी स्मूथली तरीके से करते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि ट्रेन खुल गई या रुकने वाली है। दूसरा मुख्य कारण है ट्रेन के कोच की बनावट। दरअसल भारत के ट्रेन में दो तरह के कोच यूज किए जाते हैं, पहला ICF, दूसरा है LHB। ICF कोच जो मुख्य रूप से नीले या पीले कलर के होते हैं। ICF कोच में दो कोचों को आपस में जोड़ने के लिए जो कपलिंग का यूज किया जाता है वह होता है स्क्रू कपलिंग, और इस स्क्रू कपलिंग के दोनों साइड में झटके को सहने के लिए बफर लगाया जाता है। यानी जब ट्रेन खुलती है या रुकती है तो यह बफर उनको ऑब्जर्व करती है, यानी सह लेती है झटके को, और अंदर में बैठे यात्रियों को झटका महसूस नहीं होता है। वहीं दूसरे प्रकार के कोच LHB कोच होते हैं, जो मुख्य रूप से लाल कलर के होते हैं। इसमें एक कोच को दूसरे कोच से जोड़ने के लिए सेंट्रल बफर कपलिंग का यूज किया जाता है। यह सेंट्रल बफर कपलिंग ICF कोच की तुलना में काफ़ी मजबूत और सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक होते हैं, लेकिन इसमें झटका को सहने के लिए कोई भी बफर का यूज नहीं किया जाता है। यही कारण है कि जब भी यह ट्रेन चलना शुरू करती है तो अंदर में बैठे हुए पैसेंजर को झटका महसूस कराती है। इस तरह ट्रेन में यात्रियों को झटका लगने का मुख्य दो कारण हो जाता है, पहला ट्रेन के लोको पायलट को ट्रेन को चलाने का टेक्निकल एक्सपीरियंस, दूसरा कोच की बनावट। यही कारण है कि राजधानी शताब्दी, दुरंतो, तेजस और वंदे भारत जैसे ट्रेन को चलाने के लिए एक अच्छे एक्सपीरियंस वाले लोको पायलट को बहाल किया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ट्रेन के सफर में झटका महसूस किए हैं? कमेंट में यस जरूर लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।